आज केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित बैंकों से संबंधित योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से ऋण संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन जिला पंचायत अध्यक्षा डॉ. शेफाली सिंह, विधायक रितेश कुमार गुप्ता तथा जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। सर्वप्रथम केनरा बैंक के उप महाप्रबंधक लोकनाथ द्वारा आए हुए सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया गया तथा विस्तार से ऋण संवर्धन कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। तत्पश्चात राकेश कुमार अरोड़ा, अध्यक्ष प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, ने विस्तार से बैंकिंग योजनाओं की जानकारी दी। ऋण संवर्धन कार्यक्रम में नगर विधायक रितेश कुमार गुप्ता द्वारा बैंकों के द्वारा किए गए ऋण स्वीकृति की सराहना की गई तथा कहा गया कि आगे भी ऐसे प्रयास किए जाएं। जिला पंचायत अध्यक्षा डॉ. शेफाली सिंह द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा गया कि अग्रणी बैंक कार्यालय व समस्त बैंक द्वारा बहुत ही सराहनीय प्रयास किया गया है और सभी बैंकर्स बधाई के पात्र हैं। जिला अधिकारी द्वारा लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा गया कि जो भी व्यक्ति बैंक से ऋण लेकर लाभ ले, उस समय से ऋण चुकता कर देश की प्रगति में योगदान दे तथा महिलाओं को सशक्त बनाने में बैंकों का बड़ा योगदान है, इसलिए बैंक से सहयोग प्राप्त कर सशक्त बने। जिलाधिकारी द्वारा 200 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 220 करोड़ 29 लाख करोड़ वितरण करने के लिए अग्रणी बैंक, केनरा बैंक तथा अन्य सभी बैंकों की सराहना की गई। सभी अतिथियों द्वारा विभिन्न बैंकों के 87 लाभार्थियों को लगभग 25 करोड़ के प्रतीकात्मक स्वीकृति पत्रों का वितरण कार्यक्रम में किया गया, जिसमें अग्रणी बैंक, केनरा बैंक द्वारा 12 लाभार्थियों को लगभग 3 करोड़ का ऋण वितरित किया गया। अग्रणी जिला प्रबंधक अतुल बंसल द्वारा जिलाधिकारी को समस्त बैंकों द्वारा स्वीकृत 220 करोड़ 29 लाख ऋण धनराशि का प्रतीक आत्मक चेक भेंट किया गया, जिसमें ऋण संवर्धन कार्यक्रम में जनपद के समस्त बैंकों ने अलग अलग योजनाओं में ऋण वितरण किया। सभी बैंकों तथा सरकारी विभागों द्वारा कार्यक्रम में अपने स्टॉल लगाए, जिसमें एक स्थान पर सरकार द्वारा संचालित सभी ऋण योजनाओं से संबंधित जानकारी दी गई। ऋण संवर्धन कार्यक्रम के तहत जनपद के लगभग समस्त बैंक, सरकारी विभागों, आधार केंद्र तथा आरशेट्टी द्वारा अपने अपने स्टॉल लगाए गए। बैंकों ने अपनी सभी संबंधित विभिन्न सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं जैसे मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, पीएम स्वनिधि, क्रेडिट गारंटी, पीएम ईजीपी, आत्मनिर्भर योजना व केसीसी सहित अन्य योजनाओं के संबंध में विस्तार परक रूप से जानकारी दी। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रबंधक केनरा बैंक प्रमोद कुमार शर्मा, सहायक उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र मनीष कुमार, समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह, खादी ग्राम उद्योग अधिकारी राजीव त्यागी, डीडीएम नाबार्ड रजत सहगल, महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक रूप सिंह, क्षेत्रीय प्रबंधक एसबीआई स्वदेश श्रीवास्तव, क्षेत्रीय प्रबंधक प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक विचित्र अग्रवाल, निदेशक आर शेट्टी अमित जैन, वित्तीय साक्षरता केंद्र से नीरज कुमार, अग्रणी जिला अधिकारी गोविंद अवस्थी तथा समस्त बैंकों के जिला समन्वयक मौजूद रहे। अंत में अग्रणी जिला प्रबंधक अतुल बंसल द्वारा आए हुए सभी गणमान्य अतिथियों, सभी बैंकों से आए हुए अधिकारीगण एवं सभी सम्मानित ग्राहकों तथा प्रतिभागियों का धन्यवाद कर कार्यक्रम का समापन किया गया। एक क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें बेसिक मंशा ये है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उन तक हमारे बैंक के लोग पहुंचे, उनको सुविधाजनक ढंग से हम लोन सैंक्शन कर सकें, उनके व्यवसाय को बढ़ाने में हम लोग बैंकर्स योगदान कर सकें, उसको लेकर के सारे बैंक की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके आयोजक हमारे एलडीएम साहब थे, इन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया। इसमें लगभग हमारे सभी बैंक के लोगों ने प्रतिभाग किया। जो हमको भारत सरकार से आज का लक्ष्य मिला था 200 करोड़ रुपए वितरण का रखा गया था, जिसके अगेंस्ट हम लोगों ने 220 करोड़ रुपए वितरित किए हैं, जिसके लिए निश्चित रूप से सभी बैंक के लोग बधाई के पात्र हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे और इससे बेहतर कार्यक्रम हम लोग आयोजित करेंगे। और जैसे कि सरकार की मंशा है कि हर व्यक्ति तक, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वहाँ तक बैंक तक उसकी रीच होनी चाहिए, तो उसके दिशा में निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। और जिस तरह से आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, हम सभी लोग इससे उत्साहित हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे और बेहतर कार्यक्रम हम लोग आयोजित करें।